फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके प्ले स्टोर में जैसे यहाँ पेंडिंग की जो प्रॉब्लम आती है इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आप अपने फ़ोन में करने वाले हों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको करना क्या है। आपकी ये पेंडिंग की प्रॉब्लम मैंने इस फ़ोन में सॉल्व कर दी है, अब इसमें डाउनलोड इंस्टॉल हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ अगर आपकी ये पेंडिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऊपर जो कॉर्नर में ये तीर का जो निशान यहाँ पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर भाई सिंपली आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ये सेटिंग है इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें भाई आपको जो नीचे वाला ऑप्शन है जनरल वाले को छोड़ देना, नीचे वाला जो ऑप्शन है नेटवर्क सेटिंग का, ठीक है, नेटवर्क परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा इस पर भाई आपको क्लिक करना है। और इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐप डाउनलोड ए परफॉर्मेंस, तो इसको आप या तो ओवर वाईफाई कर देना आस्क मी एवरी टाइम। ठीक है, ये तो आपके डाउनलोड के लिए पूछ रहा है, ठीक है, तो ये एनी नेटवर्क कर देना। लेकिन ये ऑटो अपडेट का जो यहाँ पर आपको मिल रहा है इसको आपको भाई चेंज कर देना। ऐसा होता है कि आप जब भी नेट ऑन करते हो या वाईफाई कनेक्ट करते हो यानी नेट इसमें इंटरनेट चलाते हो तो ये प्ले स्टोर में ऐप है जो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं, तो इसको यहाँ से आपको डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप पर कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है। वीडियो वगैरह अगर प्ले होती है तो उसको भी डू नॉट ऑटो प्ले वीडियो कर देना। ऐसा करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर प्ले स्टोर वापस ओपन करना है एक बार बंद करके, और आपको जो भी ऐप जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक ऐप इंस्टॉल करके बता देता हूँ इंस्टाटली ये प्रॉब्लम मैंने मेरे फ़ोन में कैसे सॉल्व की है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो अभी ये पेंडिंग बता रहा है और यहाँ से ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि इसमें जो परसेंटेज चलता है वो आप देख सकते हो। आपको यहाँ पर दिख रहा है इंस्टॉलिंग और यहाँ से आप देख सकते हो भाई ये इंस्टॉल भी हो चुका है, थोड़ा स्कैनिंग हो रहा है यहाँ पर यानी ये डाउनलोड हो चुका है। तो जो ऑटो अपडेट का जो ऑप्शन है और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो ये ऐप आप इस तरीके से ऐप या फिर आपका कोई भी गेम्स वगैरह अगर पेंडिंग बता रहा है तो वहाँ ऑटो अपडेट को बंद कर देना। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके प्ले स्टोर जैसे आपके फ़ोन में स्टोरेज है वो फुल भर गई हो, ठीक है, तो भी ये कभी कभी पेंडिंग बता देता है। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।